ओके, प्रोसीडिंग फर्दर वी कम टू द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज पावर्स ऑफ आई. कॉम्प्लेक्स नंबर में आई के पावर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. नाउ सी, व्हाट इज आई? इट इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन. सो व्हाट विल बी आई स्क्वायर? आई स्क्वायर विल बी माइनस वन. इफ यू कम टू आई क्यूब, इट विल बी आई स्क्वायर इंटू आई. आई स्क्वायर जो है वो माइनस वन है, इंटू आई इट इज माइनस आई. एंड वेन यू कम टू आई रेस टू फोर, ओके, इट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर विच इज माइनस वन इंटू माइनस वन विच इज वन. वेन यू कम टू आई रेस टू फाइव, यू गेट आई रेस टू फोर इंटू आई विच इज वन इंटू आई विच इज आई. आई रेस टू सिक्स, आई रेस टू फोर, आई स्क्वायर. आई रेस टू फोर इज वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन विच इज माइनस वन. आई रेस टू सेवन, आई रेस टू फोर इंटू आई क्यूब. आई रेस टू फोर इज वन, आई क्यूब इज माइनस आई विच इज माइनस आई. एंड आई रेस टू एट, इट इज आई रेस टू फोर इंटू आई रेस टू फोर विच इज वन इंटू वन विच इज वन. सो बेसिकली यू कैन सी वी आर गेटिंग ओनली फोर वैल्यूज. दिस इज योर आई, दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस आई, दिस इज वन. नाउ द वैल्यू रिपीट्स, आई माइनस वन माइनस आई वन. So we are having only four values, which is I, then minus 1, then minus I, and then 1. Okay, ab ye values kab kab aa rahe hain? Theek hai, when we are getting these values. Okay, I raised to n has only four values. Theek hai, I raised to n has only four values. Ab n ke values kya hogi? एन की वैल्यू वन आएगी तो आई आएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन वन कैन से आई के लिए अगर ये है फोर के प्लस वन फोर के प्लस टू फोर के प्लस थ्री फोर के प्लस फोर जो इन शॉर्ट फोर कॉमन लिया तो के प्लस वन आएगा. मतलब यदि ये जो पावर एन है ये मल्टीपल ऑफ फोर हो जाता है तो सीधे सीधे आई रेस टू एन वन हो जाएगा. आई रेस टू फोर वन है, आई रेस टू एट वन है, आई रेस टू ट्वेल्व वन है, आई रेस टू सिक्सटीन वन है. आई रेस टू एनी पावर विच इज मल्टीपल ऑफ फोर वन आंसर आएगा. ओके, अब इसके अलावा अगर नंबर और कोई है ठीक है तो क्या होगा? पावर में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप रिड्यूस करो, उस नंबर को फोर की टेबल में देखो ठीक है, और फोर की टेबल के हिसाब से उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है वो देखिए. यदि रिमाइंडर वन आ रहा है तो आंसर आई आएगा. यदि रिमाइंडर टू आ रहा है तो आंसर माइनस वन आएगा. यदि रिमाइंडर थ्री आ रहा है तो आंसर माइनस आएगा. और यदि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब फोर का मल्टीपल हो गया. ओके, क्लियर? इसे बेहतर समझने के लिए सपोज आप एक नंबर ले लीजिए. सपोज नंबर है हमारा 49 ठीक है. अब देखिए 49 यदि नंबर हम लेते हैं, जब हम इसे फोर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फोर ट्वेल्व 48 रिमाइंडर वन. मतलब 49 को कैसे लिखा जा सकता है? वी कैन राइट दिस एज 4 टाइम्स 12 प्लस 1. ये देखिए 4 के प्लस 1 फॉर्म में आ गया, रिमाइंडर 1 हो रहा है. तो ऐसे केस में जब आई रेस टू 49 आएगा, व्हेन यू गेट आई रेस टू 49, तो क्लियरली इसका आंसर आई आ जाएगा. ठीक है, अब अगर मान लीजिए नंबर जो है वो 63 है तो आप 4 से डिवाइड कीजिए. 4 सपोज 15 जा ये हो जाएगा 60, तो रिमाइंडर 3 आ गया. मतलब 63 को कैसे लिखा जा सकता है? वी कैन राइट दिस एज 4 इंटू 15 प्लस 3, रिमाइंडर 3 आ गया. ठीक है, तो आई रेस टू जो 63 है इट इज नथिंग बट इट इज आई क्यूब. एंड व्हाट इज आई क्यूब? इट इज माइनस आई. व्हाट इज आई क्यूब? इट इज नथिंग बट माइनस आई. ओके, तो ये देखिए ये थे ऑड नंबर्स. ऑड नंबर के गेस में दो ही तरह के आपको रिमाइंडर आएंगे, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा. रिमाइंडर 1 आया तो आंसर आए, रिमाइंडर 3 आया तो आंसर माइनस आए. ठीक है, अब इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो रिमाइंडर 2 आएगा या तो वो नंबर सीधे से मल्टीपल ऑफ 4 होगा. ठीक है, जैसे 100, तो 100 4 का मल्टीपल है, तो आई रेस टू 100 अगर करेंगे तो आंसर 1 आएगा.
अब 100 से आप 98 ले लीजिए, 98 4 की टेबल में नहीं आएगा, तो वहाँ पर रिमाइंडर श्योरली 2 आएगा विच इज माइनस 1। और 102 लोगे अगर आप, तो 102 भी 4 की टेबल में नहीं आता है, मतलब 104 के केस में रिमाइंडर 2 आ जाएगा व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो वहाँ पे भी आंसर माइनस 1 आएगा। ओके क्लियर, तो ये हो गए आई के पावर्स। ओके प्लीज अंडरस्टैंड इट एंड नोट इट डाउन।